बैजनाथ शिवपुरी में गणेश उत्सव के प्रथम दिवस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासी बड़े बुजुर्ग व बाल गोपाल युवा पीढ़ी सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस गणेश उत्सव का आयोजन बैजनाथ वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार गणपति बप्पा बैजनाथ के अंदर डबल रोल में देखने को मिलेंगे। गणपति भगवान के दोनों स्वरूपों का अलंकरण भिन्न भिन्न है। आने वाले दिनों में तय होगा कि किस रूप में भगतगण अधिक रुझान दे रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से बैजनाथ मंदिर परिसर में पार्किंग में शिव बाग के बादशाह विराजमान होते आ रहे हैं। इस 8वें आयोजन में शोभा यात्रा सायंकाल चौबिन चौक से आरंभ हुई, जो कि गणेश पंडाल पहुंचकर संपन्न हुई, जहां गणपति बप्पा का विधिवत विधान से अनुष्ठान किया गया। वहीं दूसरी तरफ पंडोल रोड में पहली बार आयोजित गणेश उत्सव की शोभा यात्रा पोस्ट ऑफिस बैजनाथ से आरंभ होकर बैजनाथ के मध्य होते हुए पंडोल रोड आयोजन स्थल पहुंचकर गणपति भगवान का आह्वान कर वैदिक विधान से गणपति बप्पा का स्वरूप स्थापित किया गया। पंडोल रोड में गणपति उत्सव के अंतर्गत भगवत गाथा का आयोजन भी किया गया, जो प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से साय 5 बजे तक चलेगा। भगवत कथा के प्रथम दिन प्रातः 5 बजे कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कथा स्थल बैजनाथ मंदिर तक चला। पंडोल रोड में आयोजित गणेश उत्सव के अंदर रात्रिकाल भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जो बैजनाथ प्रेस परिषद के सदस्यों के कर कमलों द्वारा प्रज्वलित करके शुरू किया गया। रात्रि भजन संध्या पंडोल में मिक्का बडोग रुचि धीमान व बॉबी मान तथा शिव मंदिर गणपति उत्सव में पहली भजन संध्या सुरेश व राखी गौतम के नाम रही।